तो फिलहाल डाइनिंग हॉल में आ चुके हैं टेबल पे और अभी मंगवाएंगे हम नाश्ता। तो सर जी नाश्ते में क्या क्या मंगवाएं? मेनू में हमने एक चीज देखी, यहाँ पे बहुत सारे कल्प वृक्ष है, बहुत सारे, मतलब हमने हर जगह देखा। हम नीचे आ चुके हैं और इतनी सीढ़ियां हम उतर के नीचे आए हैं। तो हर हर महादेव महादेव। गुड आफ्टरनून, हेलो नमस्ते, दिस इज यूआर विकास कलाल, वेलकम बैक यूआर यूट्यूब चैनल विकास के एंट्री, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो फिलहाल है हम मांडू में, मतलब मांडू की सड़कों पे। आपने अगले ब्लॉग में देखा हमने जहाँ से एंड किया था वहीं से अभी शुरू किया है और हम जा रहे हैं महेश्वर से सीधा मांडू। तो इस सीरीज में बने रहिएगा, बड़ा ही मजा आने वाला है। आगे का ब्लॉग और आगे की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नहीं देख सकते हैं बहुत ही बड़ा पहाड़ आ रहा है, तो इसी के ऊपर हमें ये गाड़ी टॉप पे लेके जाना है। सब क्या नजारे हैं बॉस, फुल ग्रीनरी, हरा भरा कबाब, सो ब्यूटीफुल। गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है मुझे। तो फिलहाल हम मांडू का आधा भरवा चढ़ चुके हैं और एक टी ब्रेक लेने का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे टी ब्रेक लेंगे और इसके बाद फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। टी हो जाए। फिलहाल सामने हमने गाड़ी को पार्क कर दिया है और यहाँ पे आ चुकी है हमारी टी और क्रीम रोल, अलग ही कॉम्बिनेशन है। तो टी ब्रेक हमारा समाप्त हो चुका है और पास में यहाँ पे कुछ बना हुआ है महल नुमा, तो ये गेट लगा हुआ है, पता नहीं क्या है, यहाँ बोर्ड पे लिखा होगा क्या है, देखता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, देखता हूँ अंदर क्या है। तो यहाँ पे अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, ये घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था पहले उस ज़माने में। और यहाँ से कुछ ऐसा है व्यू, बड़ा ही शानदार और प्यारा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। और भी बाकी के नज़ारे हैं जो मैं आपको दिखाता चलूँगा और खुद भी देखूँगा, तो आप भी इंजॉय करना, मैं भी इंजॉय करता हूँ। चलिए अमर प्रेम का प्रतीक मांडू में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम मांडू पहुंच चुके हैं, ये है मांडू का मेन चौक और अभी हम देख रहे हैं एक बेस्ट होटल। पहले हम होटल लेंगे क्योंकि आज नाइट स्टे यहीं करना और मांडू को हम कल एक्सप्लोर करेंगे। तो आज अभी यहाँ पे होटल लेंगे, रेस्ट करेंगे और यहाँ का जो नाइट शो है वो रात को देख लेंगे और कल सुबह नहा धो के मस्त फ्रेश होके मांडू को एक्सप्लोर करेंगे। तो फाइनली जी अपना होटल वगैरह बुकिंग हो चुका है, रूम का वॉक राउंड वगैरह कल दूंगा यहाँ का। अभी हम जा रहे हैं नाइट शो देखने के लिए, तो अपन क्या करते हैं सुबह मिलेंगे। गुड मॉर्निंग टुडे, एक नए डे में आप सभी का स्वागत है और आज ये हमारा दूसरा दिन है मांडू में। तो आज हम करेंगे मांडू को एक्सप्लोर, कल हम शाम को आए थे और अभी हम जिस होटल में ठहरे उसका वॉक राउंड दूंगा, उसके बाद यहाँ से सीधा पहले निकलेंगे हम नीलकंठ महादेव। अभी 9 बज चुकी है और हम सब रेडी हो चुके हैं। तो ये था हमारा होटल का रूम जो कि कुछ ऐसा था, हमने एक्स्ट्रा बेड लगवाए, 2 बेड का ये सोफा था और कुछ इतना बड़ा था रूम। यहाँ पे टीवी लगा हुआ है हमारा और यहाँ पे कुछ ऐसा था वॉशरूम। तो वॉशरूम अभी अंदर लाइट चली गई है, तो ठीक है वॉशरूम इस तरीके का है और यहाँ पे सोफे वोफे लगे थे। और सभी रेडी हो चुके हैं और निकल चुके हैं और मैं भी अपना बैग लेके अब निकलते हैं अपन बाहर, क्योंकि चेकआउट का टाइम हो चुका है अभी। तो अभी पहली टी मॉर्निंग की हो चुकी है, अभी होगी अपनी सेकेंडरी और यहाँ से सीधा पहली शुरुआत करते हैं महादेव के दर्शन के साथ। और इस गार्डन में बैठ के रात को अपन ने खाना वाना खाया था। तो ये है इस होटल का गार्डन, अभी वर्क इन प्रोसेस है इस होटल का, बहुत ही शानदार होटल था और आज का यहाँ का अनुभव बड़ा ही शानदार था। हमारी टीम भी आगे तैयार हो चुकी है और यहाँ से जा रही है। डॉक्टर साहब हेलो, दीपक ब्रो हाय। तो फिलहाल डाइनिंग हॉल में आ चुके हैं टेबल पे और अभी मंगवाएंगे हम नाश्ता। तो सर जी नाश्ते में क्या क्या मंगवाएं? दीपक जी क्या सर नाश्ते में क्या ऑर्डर करें? नाश्ते में मंगवा रहे हैं आलू के पराठे और छाछ। पराठे 2 गोभी के पराठे और 2 सेव के पराठे, नए पराठे के पराठे, सेव और गोभी के पराठे मंगवाए करेंगे सर की फरमाइश पे। बाकी बाहर का नज़ारा शानदार है और गाड़ी हमारी वहाँ पे सामने खड़ी हुई है और नाश्ता करके हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। तो फाइनली जी हमारा नाश्ता आ चुका है, ये है पनीर पराठा और यहाँ पे मंगवाया गोभी पराठा और ये सॉस एंड अचार। भैया
कैसा लग रहा है? टेस्ट करके थोड़ा बताओ, एक बार टेस्ट करके बताओ। खाया सेव पराठा, फर्स्ट बार खाया, बहुत इतना आनंद आ रहा है। बस तो हमारी छाछ भी आ चुकी है, मसाला छाछ। तो चलिए नाश्ता कर लेता हूँ, और नाश्ता करके फिर अपन मिलते सीधा गाड़ी के अंदर या उससे पहले। तो चलिए, हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है और यहाँ से चलेंगे। सबसे पहले महादेव के दर्शन करेंगे, मतलब नीलकंठ महादेव। चलो ब्रो। तो चलिए निकलते हैं, सुबह की जर्नी की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम से। तो हर हर महादेव। तो ये है मांडू शहर पे सीतापल, सीतापल के ढेर है। हमने रात को भी खाए सीतापल और बड़े ही मीठे थे। हमने एक चीज देखी, यहाँ पे बहुत सारे कल्प वृक्ष है, बहुत सारे, मतलब हमने हर जगह देखा। ये सामने भी कल्प वृक्ष है, तो यहाँ पे कल्प वृक्ष की कमी नहीं है, बहुत सारे कल्प वृक्ष। ऐसा व्यू तो देखो, गजब। पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा या नहीं, बट अल्टीमेट। तो फाइनली जी, हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ महादेव। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा नीचे की साइड। तो चलिए पैदल चल के नीचे चलते हैं। गाड़ी को अपन ने यहाँ पार्क कर दिया है और पास में ये खूबसूरत सा नज़ारा भी देख रहे हो, शानदार। और हमें नीचे जाना है यहाँ से पैदल घूम के। तो चलिए चलते हैं। पे कुंड है, तो इस कुंड का पानी आगे से आता है, यहाँ पे स्टोर होता है, और यहाँ से होता हुआ ये पानी यहाँ से जाके सीधा यहाँ नीचे जाता है, और नीचे से आगे जाता है फिल्टर होके, और वो गिरता है शिवजी पे। हम नीचे आ चुके हैं और इतनी सीढ़ियाँ हम उतर के नीचे आए हैं। तो हर हर महादेव महादेव। तो आइए महादेव के दर्शन करवाता हूँ आपको, और मैं खुद भी करता हूँ। तो चलिए अब अपन दर्शन कर लेते हैं पहले, और आप भी कर लेना, मैं भी दर्शन कर लूँगा, उसके बाद यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत और बताऊँगा आपको। ताकि मैंने आपको पहले बताया था कि पानी का फ्लो है ऊपर से नीचे आता है, और शिवजी पे अभिषेक होके वो सीधा आगे निकल जाता है, मतलब आगे सर्कल होके फिर जाता है। तो ये है शिवजी। मैंने ऊपर जिस कुंड का जिक्र किया था, वहाँ से पानी नीचे आता हुआ शिवजी का जलाभिषेक होके आता है यहाँ से, और यहाँ से आता हुआ ये जो है सर्कल होके फिर वापस रिवर्स होके अंदर से आगे की ओर चला जाता है। और ये जो देख रहे हो ये है नाग नागिन का जोड़ा, और बाहर से ये मंदिर कुछ मस्जिद नुमा दिख रहा होगा। तो पहले क्या, ये शिव मंदिर हुआ करता था। तो अकबर जब आया यहाँ पे, तो उसने काफ़ी परिवर्तन कर दिया, और यहाँ पे ये जो मंदिर है मुगल शैली में बना दिया। और यहाँ पे अकबर द्वारा शिलालेख भी लिखे गए हैं बहुत सारे, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये पूरा मुस्लिम आर्किटेक्ट में बना हुआ है। पहले यहाँ पे हिंदू शिव मंदिर था, आज भी शिवलिंग है वैसा का वैसा ही है। तो चलिए यहाँ पे दर्शन भी हो गए, आपको भी मैंने दर्शन करवाए, हमने भी दर्शन किए। यहाँ से अब किसी और जगह को एक्सप्लोर करते हैं। अब पता नहीं कहाँ जाएंगे, या तो रानी रूपमंडप जाएंगे, या फिर जाएंगे अपन जहाज महल। तो चलिए चलते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के थकान लग चुकी है दीपक मामू को, और यहाँ से जो नज़ारे है बॉस, इसे देख के थकान मिट गई। क्या बोलते हो डॉक्टर साहब? एकदम सही बात बोल रहे हो। नज़ारे है ना अद्भुत और विश्वसनीय। नज़ारे कैसे बॉस? बहुत ही शानदार मज़ा रहा। बहुत ही शानदार, सुबह सुबह ऐसे नज़ारे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक फोटोग्राफी कर लेते, ग्रुप फोटोग्राफी, उसके बाद यहाँ से सीधा चलते हैं। तो अभी अपन अपनी गाड़ी के पास आ चुके हैं, एक बार इस व्यू को फिर से एंजॉय कर लीजिए, और फिर यहाँ से अपन सीधा निकलेंगे रानी रूपमती महल। तो अभी अपन जा रहे हैं रानी रूपमती महल। चले डॉक्टर साहब? बिल्कुल। और रानी रूपमती महल और बाज बहादुर की अटूट प्रेम कहानी, अमर प्रेम कहानी के बारे में जानेंगे और समझेंगे, और अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। राजा बाज बहादुर शाह और रानी रूपमती मंडप। इशारों इशारों में दिल लेने वाले,
बताये हुनर तूने सीखा कहाँ से। खूबसूरत सा सरोवर, ब्यूटीफुल, क्या लेक है शानदार, और वाइब देख रहे हो, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, क्या शानदार वाइब आ रही है यहाँ पे। तो पहुंच चुके हैं फाइनली और भाई गए हैं अपने टिकट लेने के लिए। तो यहाँ पे टिकट जो है 25 रुपीज वहाँ पे लिखा हुआ है, अब पता नहीं बढ़ गई है या कम है, बाकी 25 रुपीज लिखा हुआ है। तो दीपक भाई गए टिकट लेने और सामने ही है बाज बहादुर शाह का महल और पास में ये बना हुआ है रेवा कुंड। तो यहाँ पे मैं वापस आके बताऊंगा, अभी अपन सीधा चलेंगे रानी रूपमती महल जो कि टॉप में है। तो भाई अपना टिकट लेके आ चुका है, कितना लगा भैया? प्रति व्यक्ति 25 रुपया। तो 25 रुपीज लगा है, 25 रुपीज लगा है, तो चलिए ऊपर चलते हैं। अभी अपने को जाना है टॉप में। कितना मिले ट्रैवलर? तो फाइनली पहुंच चुके हैं, गाड़ी अपन ने पार्किंग में लगा दी है और यहाँ पे क्या है, डॉक्टर साहब के गूगल्स ले लिए हैं ताकि क्या है कि ये बार बार एक्सचेंज कर रहे हैं फोटो में। हमने क्या इनको दिलवा ही दिए, क्या है कि हमारे छोटे भाई हम जब भी मांगते थे चश्मे दे दी रहे थे, खरीद लिए तो खरीद लिए, फोटो भी नहीं दे रही भी को क्या, तो हमने खरीद लिए फोटो भी नहीं दे रही। हमारी आखिरी गुजारिश है विकास जी से, हमारे जो भी अच्छे फोटो खींचे सारे फोटो मिलेंगे, सारे फोटो मिलेंगे। एक डर बैठा हुआ है कि जितने फोटो खींचे हैं वो नहीं देंगे, लेकिन मैं सारे फोटो इनको दे दूंगा। तो यहाँ पे एक चीज है ये वाली, इसको इमली बोलते हैं, ये हमारे भाई दीपक को बहुत ज्यादा पसंद आ गई और इसने खरीद ली, हमें बिना पूछे ही खरीद ली। उसका रीजन है इसको बांसी में बहुत ही उपयोग में लिया जाता है और इस कारण से मैंने ले ली है। तो भाई ये प्रॉब्लम आपको कब से, हमसे छुपा के क्यों रखा। अभी चढ़ाई चालू ऊपर की और यहाँ का लोकेशन बड़ा ही प्यारा और आप देख सकते हैं ऊपर टॉप में हमें जाना है। भाई दीपक चला जाएगा, चढ़ जाओगे? चढ़ेंगे। अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ पे आप पैरा ग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। वो सामने देखिए पैरा ग्लाइडिंग हो रही है, मैं जूम करके बताता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़नी चालू है, ऊपर जाना है टॉप पे और हमारे पीछे हमारे मामा जी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और सबको टॉप पे ही जाना है। तो फाइनली जी ऊपर आ चुके हैं, वहाँ से इतना ऊपर हम आए और यहाँ पे अपने भाई लोग थक के बैठ चुके हैं रानी रूपमती के महल के अंदर। ये नज़ारा देखिए बस। फिर से हो जाए, वंस मोर। अंदर एंट्री ले रहे हैं, हमने टिकट वगैरह ले लिया और यहाँ से एंट्री हो रहे हैं। एक जमाने में मांडू की यहाँ की पॉपुलेशन थी 9 लाख के आसपास, मतलब दिल्ली से ज्यादा यहाँ की पॉपुलेशन थी, इतना फेमस और प्रसिद्ध था। तो यहाँ से चलेंगे, डॉक्टर साहब अलग अलग एंगल में फोटो खिंचवाते हुए मजा आ रहा है, सच में मजा फुल ले रहे हैं।